तो नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 1.2 क्लास 10th का पार्ट 2 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को डील करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF तथा LCM ज्ञात करें, यानी कि अभाज्य गुणनखंडन विधि। आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि सबसे पहले इस तीनों संख्या को अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी कि जो है 12। पहला नंबर का उत्तर देखेंगे हम, आंसर फर्स्ट का 12 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो मिलेगा 2 × 2 × 3, 2 × 2 = 4, 4 × 12। 15 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो मिलेगा 3 × 5। 21 का अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा तो मिलेगा 3 × 7 = 21, यानी 3 × 7। तो LCM, सबसे पहले LCM ज्ञात, HCF ज्ञात करते हैं। HCF ऑफ 12, 15 और 21, जब HCF ज्ञात किया जाता है तो कॉमन देखा जाता है, कॉमन एलिमेंट क्या है। जो तीनों में कॉमन एलिमेंट होगा वही हो जाएगा HCF, यानी कि 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो इसका HCF हो जाएगा 3। बाकी कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है, कोई ऐसा संख्या नहीं है जो कि तीनों में मिल रहा हो, अतः इसका HCF हो जाएगा 3। जब LCM का बात किया जाएगा, LCM तो LCM हो जाएगा 12, 15 और 21 का LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, जो तीनों में कॉमन होते हैं उनको एक बार लिखा जाता है, तीनों में कॉमन एलिमेंट को एक बार लिखा जाएगा, शेष सभी एलिमेंटों को लिख दिया जाता है। तो शेष एलिमेंट तीन को एक बार लिख लेने के बाद तीन दोबारा नहीं लिखा जाएगा, शेष इसमें से 2 × 2 बच रहे हैं, यानी कि 2 × 2 लिखा जाएगा। फिर 5 बच रहे हैं, 5 भी लिखा जाएगा। फिर 7 बच गए, 7 भी लिख दिया जाएगा। कॉमन एलिमेंट को एक बार, जो शेष बच जाते हैं उनको भी लिख दिया जाता है। तो गुणा करते हैं, 3 × 6, 6 × 7 = 42, 42 × 5 = 10, यानी कि 10 से गुणा करेंगे तो 420। ठीक है, 3 × 6, 6 × 7 = 42, अब 42 में 10 का फिर गुणा किया जाएगा तो 420 इसका हो जाएंगे LCM उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में है 17। 17 का जब अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा तो 17 तो किसी संख्या से कटते नहीं है, इसलिए 17 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 1 × 17, 1 × 17। फिर 23 भी अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, इसलिए इसका भी अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे, यानी कि 1 × 23। 29 को जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1 × 29, क्योंकि तीनों जो संख्या है यहाँ पे अभाज्य संख्या है, इसलिए इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं हो पाएगा। तो इसका HCF, इसका HCF होगा, इसका HCF एक, क्योंकि एक तीनों में कॉमन एलिमेंट है, तो HCF एक हो जाएंगे। जब LCM का बात किया जाएगा, LCM तो LCM के लिए क्या करेंगे, तीनों का गुणा कर देंगे, 17 × 23 × 29, और एक कॉमन है तो एक में भी गुणा किया जाएगा, उसका प्रभाव नहीं पड़ते हैं। तो तीनों का गुणनफल हम लिखेंगे, तो आप 17 में 23 का गुणा कीजिएगा, 17 × 3 = 18। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 8 को गुणनखंड करेंगे तो मिलेगा 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। 9 को अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा तो होगा 3 × 3, 25 का अभाज्य गुणनखंड होगा 5 × 5। अब इसमें से कॉमन एलिमेंट HCF ज्ञात करने के लिए 8, 9 और 25 का HCF ज्ञात करेंगे तो कॉमन एलिमेंट को देखा जाएगा। तो कॉमन एलिमेंट इसमें देखिए, कोई ऐसा एलिमेंट है जो तीनों में है, कोई ऐसा संख्या दिख रहा है जो कि तीनों में हो, इसमें 2 है लेकिन बाकी में नहीं है, 3 है लेकिन कहीं नहीं है, 5 है इसमें लेकिन किसी में नहीं है, तो इसका HCF क्या हो जाएंगे, 1। जब कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेंगे, कॉमन संख्या जब नहीं मिलता है तो उसका HCF 1 हो जाता है। LCM, आपको LCM के लिए रूल बताया जा चुका है, LCM जो तीनों में कॉमन होते हैं उनको एक बार लिखा जाता है, तो कॉमन एलिमेंट तो है नहीं, तो 1 × 1 लिखिए चाहे ना लिखिए प्रभाव नहीं पड़ते हैं। उसके बाद से तीनों को लिख लिया जाएगा, 2 × 2 × 2, फिर इस 3 को लिख दिया जाएगा, दोनों को 5 × 5 को
लिख लिया जाएगा। यानी को कहने का अर्थ है कि 8, 9 और 25 का ही गुणा करना है, यानी कि ये बनेंगे 8 गुणा 9 गुणा 25, यानी कि इसी संख्या का ही गुणा होगा। तो 25 में 8 का गुणा कीजिएगा तो मिलते हैं 200, 25 × 8 = 200। फिर 200 में 9 का गुणा किया जाएगा तो 9 × 2 = 18, 00 रख दीजिए, यानी कि हो जाएंगे आपका रिजल्ट, कुल मिला के रिजल्ट आएगा 1800 आंसर हो जाएगा। यानी कि एलसीएम जो है इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन का 1800 इसका आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखते हैं। चार नंबर क्वेश्चन दिया गया है, HCF ऑफ 306.657 बराबर 9 दिया है, तो LCM इन दोनों संख्या का LCM क्या होगा। तो आपको बताया गया था कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा में LCM, HCF गुणा LCM, ये सूत्र होते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। तो यहाँ देखिए, ये जो दिया है यही है पहली संख्या, पहली संख्या हो जाएंगे 306 और गुणा दूसरी संख्या है 657 बराबर HCF। देखिए दोनों का HCF दे रखा है 9 और गुणा में LCM, तो हमें क्या ज्ञात करना है, LCM ना चाहिए हमको, इस संख्या का LCM चाहिए। ये सूत्र होते हैं, इसको याद करना है, ये सूत्र को याद रखने हैं आपको, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM, और तीन संख्याएं दी हुई है, पहली संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या भी दिया है, इसका HCF भी दिया है, तो LCM ज्ञात करनी है। अब आपको समीकरण के रूल से, समीकरण का रूल कहता है 306 × 657, ये जो है गुणा में ये आ जाएंगे नीचे, भाग में आ जाएंगे और LCM जो है यहीं पे रह जाते हैं। जैसे x का मान हम लोग निकालते थे ठीक वैसे ही यहाँ LCM समझिए तो x का मान है यहीं पे छोड़ देंगे। अब देखिए 9 से कटाया जाएगा तो 9 से ये आसानी से कट जाएंगे, देखिए 9 × 3 = 27 बच जाएंगे 3 और 3 × 6 आ जाएगा तो 9 × 4 = 36। अब क्या कर रहे हैं, 657 में 34 का गुणा कर लेंगे, 657 × 34 यानी कि 34 × 657 = 34, 7 × 4 = 28 हासिल 2, 5 × 20 = 22 हासिल 2, 6 × 24 = 26, 7 × 21 हासिल 2, 5 × 3 = 15 = 17, 6 × 3 = 18 = 19, 8 × 3 = 6 = 13 और 9 × 2 = 11 = 12 और हासिल 1 हो जाएगा 1 × 2 22 23 8, ये हो जाएंगे इनका एल। ये 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकते हैं। ये क्वेश्चन है कि 6 का पावर n कभी 0 पर समाप्त हो सकते हैं कि नहीं। तो देखिए 6 के पावर n यदि 0 पे समाप्त होगी तो इसका अर्थ ये है कि वह संख्या 10 से डिवाइड होगा। यदि कोई भी संख्या 0 पे समाप्त हो रही है तो इसका अर्थ यह होगा कि वो 10 से डिवाइड होगा, अर्थात जब वह 10 से डिवाइड हो जाता है तो इसका अर्थ है कि वह 2×5 से भी कट जाना चाहिए। यदि यह संख्या 6 का पावर n 0 पे समाप्त होती है तो इसका अर्थ है कि वह 2 और 5 दोनों से डिवाइड होंगे। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, 6 का गुणनखंड करेंगे तो 6 का गुणनखंड होगा 2×3 का पावर n, इसका अर्थ हुआ कि 2 का पावर n और 3 का पावर n, यानी कि इसमें चूंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 नहीं आ रहे हैं, अतः 6 का पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है नहीं हो
सकती है। कहने का अर्थ है यदि सिक्स के पावर एन जो है जीरो पे तभी समाप्त होगी जब वह दो और पांच, दो और पांच दोनों से, दोनों का इसमें गुणनखंड लेना चाहिए तभी वो जीरो पे। आप कोई भी जीरो, कोई भी जीरो वाले हम को ले लीजिए, मान लीजिए लास्ट में दस, चाहे दस को ले लीजिए, बीस ले लीजिए, तीस ले लीजिए, इसमें सब में दो और पांच का गुणनखंड आते हैं, सब में दो और पांच का गुणनखंड आते हैं। तो कहने का अर्थ है कभी इसमें दो और पांच दोनों नहीं आ रहे हैं, दो और पांच दोनों नहीं आ रहे हैं, इस कारण सिक्स का पावर एन कभी भी जीरो पे समाप्त नहीं हो सकती है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि सात गुणा ग्यारह गुणा तेरह प्लस तेरह और सात गुणा छ गुणा पांच गुणा चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक प्लस पांच भाज्य संख्याएं क्यों है। पूछा जा रहा है ये संख्या और ये संख्या भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों है, क्यों का जवाब पूछा जा रहा है। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है सात गुणा ग्यारह गुणा तेरह प्लस तेरह, तो देखिए इसके बदले हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन तेरह को निकाल लिया जाएगा, तो यहाँ बच जाएंगे सात गुणा ग्यारह, तेरह को बाहर ले लिया गया है तो सात गुणा ग्यारह फिर गुणा करेंगे तो तेरह सात ग्यारह, देखो तेरह सात ग्यारह, अब प्लस यहाँ तेरह को ले लिया गया इसलिए यहाँ एक बचेंगे, फिर तेरह में एक का गुणा करेंगे तो तेरह होगा। अब देखिए क्या करते हैं, तेरह गुणा ग्यारह सत्य सतहत्तर प्लस एक अठहत्तर, कहने का अर्थ है तेरह गुणा अठहत्तर है, इसको गुणा करते हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ संख्याएं है, कुछ ना कुछ संख्याएं रहेगी, तो इसका अर्थ है कि यह जो संख्या है, ये जो संख्या है मतलब इन्हीं का ना गुणनफल, इन्हीं का गुणनफल ना है इतना, इतना को सॉल्व किए तो इतना है, इतना को सॉल्व करने के बाद आ रहे हैं इतना, इसका अर्थ है कि ये जो संख्या है तेरह से भी कट जाएगा और अठहत्तर से भी कट जाएगी। देखिए इसका एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे 20 है, 20 को मैंने खंड किया तो आया 4 गुणे 5, इसका अर्थ है कि 20 4 से कट जाएंगे 5 बार में और 5 से भी कट जाएंगे 4 बार में, तो वही कहने का अर्थ है इसी संख्या को मैंने आगे बढ़ाया तो देखा 13 गुणे 78 मिल रहा है, इसका अर्थ है ये संख्या 13 से भाग देते हैं तो 78 बार में कटेंगे और 78 से भाग देंगे तो 13 बार में कटेंगे, इसका अर्थ है कि यह संख्या दिया गया संख्या उपरोक्त संख्या 13 से विभाज्य है अर्थात भाज्य है, इसका अर्थ ये है। अब जो है इसके बाद इस संख्या को देखते हैं, सात गुणा छः गुणा पाँच गुणा चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक प्लस पाँच, ठीक उसी प्रकार क्या करते हैं इसमें से पाँच कॉमन निकाल लिया जाएगा तो सात गुणा छ गुणा पाँच तो बाहर आ चुके हैं, यहाँ बच जाएंगे चार तीन दो गुणा एक, अब प्लस में यहाँ पाँच कॉमन ले लिया गया तो बच जाएंगे एक। तो कहने का अर्थ फिर से देखिए पाँच और गुणा में इतना, इतना को सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ संख्याएं मिलेगी, तो इसका अर्थ है कि ये ऊपर वाले संख्या को तोड़े तो दो गो गुणनफल के रूप में प्रोडक्ट आ रहे हैं, दो गो अंक आ रहे हैं, दो संख्याएं आ रहे हैं, इसका अर्थ है ये संख्या पांच से भी कट जाएंगे और इतना से भी कट जाएंगे पांच बार में, तो अर्थात इसका अर्थ है अर्थात उपरोक्त संख्या पांच से भाज्य है। तो इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि संख्याएं इतना और संख्याएं इतना भाज्य संख्या है। अब देखिए दूसरे तरीके से आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको गुणा करेंगे, इन तीनों को गुणा कर लीजिएगा और तेरह को जोड़ लीजिएगा, ऐसे भी अगर आप करते हैं तो भी आंसर प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन उससे ये थोड़ा ईजी है। सेवन नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, सात नंबर क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। और देखिए बाबू ये एक वृत्ताकार पथ हो गया, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, पथ मतलब रास्ता है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सुनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। सोनिया जो है एस, इसको जो है 18 मिनट लगता है एक चक्कर लगाने में और रवि को आर को लगता है कितना 12 मिनट लगते हैं। कहीं से लोग चलना प्रारंभ करते होंगे, मान लीजिए बिंदु ए हो गए, यहाँ से सोनिया चलना प्रारंभ की
इसको लगते हैं 18 मिनट फिर ए पर आने में, फिर रवि भी इसी का एक चक्कर लगाता है तो उसको 12 मिनट लगते हैं। अगर मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही समय पर लोग प्रारंभ करते हैं चलने में और एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में जाते हैं, एक ही डायरेक्शन में दोनों लोग चलते हैं। अब कह रहा है कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ कितने समय के बाद, एक को लग रहा है 18 मिनट तक समय, एक को 18 मिनट लगते हैं समय और एक को 12 मिनट। तो ये जो है ऐसे सवाल को आंसर को प्राप्त करने के लिए LCM ज्ञात किया जाता है, क्योंकि वे लोग जब तक एक जो है बहुत कम समय लगता है तो ये आगे आ चुके रहेंगे तब तक ये पीछे रहेगा, फिर ये आगे यहाँ आएंगे तब तक ये यहाँ रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा और एक समय ऐसा आएगा जब दोनों व्यक्ति क्या करेंगे, एक ही पॉइंट पर मिल जाएंगे, और ऐसे सवाल को ज्ञात करने के लिए LCM ज्ञात किया जाता है। तो इसका होगा अभीष्ट, कितने समय अभीष्ट समय, अभीष्ट समय बराबर इसको ज्ञात किया जाएगा LCM ऑफ 18 एंड 12। 18 और 12 का LCM ज्ञात कर दिया जाएगा। तो आप जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM को ज्ञात करेंगे, 18 को खंड करेंगे तो क्या होंगे, 2, 9 और 3 से ही कटाएंगे, 2 × 3 × 3, 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18। 12 को जब आप खंड करेंगे तो हो जाएगा 2 × 2 × 3। अब इसको LCM, आपको LCM के लिए फॉर्मूला रूल कानून बताया जा चुका है, जो दोनों में है उनको एक बार लिखा जाएगा, जो दोनों में है उनको एक बार, तो 2 हो गए, 3 जो है दोनों में मिल रहे हैं इनको एक बार, बाकी शेष बच जाएंगे उनको भी लिख लिए जाएंगे। जो कॉमन एलिमेंट को एक बार लिखा जाता है LCM को ज्ञात करते वक्त ध्यान रखना है, कॉमन एलिमेंट एक बार और शेष एलिमेंट को भी लिख दिया जाते हैं, क्योंकि LCM में चांसेस बड़े अंक आने के रहते हैं और LCF रहता है तो बस कॉमन एलिमेंट में छोड़ दिया जाता है। तो 2, 3, 6, 6, 3, 18, 18 × 36 मिनट, यानी कि 36 मिनट के बाद वे दोनों एक ही स्थान पे मिलेंगे। बस इतना ही के साथ इस वीडियो को समाप्त किया जाता है। जय हिंद।